कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। अलीगढ़ के अकबराबाद थाना क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता और व्यापारी राजेश वैष्णव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हथियारों ने व्यापारी की 3 गोली मारी जो कि गर्दन में धंस गई। उनको मेडिकल कॉलेज में लाया गया जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। घटना के वक्त कार में मृतक, उनके भाई और पुत्र 3 लोग सवार थे। मृतक और उनके भाई अपना पेमेंट लेकर अकबराबाद से घर जा रहे थे, तभी बदमाशों ने रास्ते में घटना को अंजाम दिया। बदमाश दोनों भाइयों में पेमेंट के 2 बैग लेकर फरार हो गए। परिजनों ने मामले में एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता कमल कुमार को नामजद करते हुए तहरीर दी है। कमल अभी फरार है, पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। इसी अलीगढ़ से अजय कुमार की एक खास रिपोर्ट। मेरा सत्येंद्र वासनी नाम है। सत्येंद्र, ये बताओ क्या हुआ तुम्हारे भाई के साथ? मेरे भाई पेमेंट लेकर चले थे अकराबाद से और मेन चौड़ाई पर आके उन पर गोलियों से प्रहार कर दिया। कौन लोग थे वो? वो 8-9 जने थे गाड़ी में, जिन्होंने निकलते हैं गोली पे फायरिंग धुआंदार फायरिंग करी है। मेरा भतीजे की गोली साइड से निकल गई है और बड़े भाई साहब का 3 गोली लगी है, तीनों नार में है। अभी क्या स्थिति है उनकी? एंड द स्पॉट बता रहे हैं, खत्म। तुम्हारे भतीजे के नाम है? सौरभ वासनी। तो वो भी भैया काम करते हैं, कारोबार करते हैं? हाँ, वो भैया के संग ही रहता। अच्छा, पेमेंट ला रहे थे कहीं से? हाँ, काम उनका पेमेंट का ही है। लगभग कितना पेमेंट होगा? जे इतनी कोई पता नहीं है। तो पेमेंट सेफ है या बदमाश? नहीं, पेमेंट ले गए, पेमेंट भी ले गए और ताऊजी के लड़के थे संग में, उनका भी पेमेंट ले गए, दोनों बैग ले गए भाग गए। लगभग कितना पेमेंट रहा होगा, किसी को जानकारी? अगरवाल से कैश लेके आए थे, व्यवहार है इनका अच्छा, कोड़ेगंज के रहने वाले हैं, अपने कार्यकर्ता भी थे, वहीं से गाड़ी पीछे लगी है जो इनका बेटा बता रहा है। अब जैसे वहाँ से लेके चले, कभी इनको पीछे मौका नहीं मिला है, फिर आगे कर दी, कभी पीछे कर ली, वो बटर करके और एकदम आगे कोड़ेगंज के बोर्ड पर वहाँ एकदम गाड़ी आगे लगा दी है और नीचे निकाले के उसमें सीधी गोली मारी से तोड़ गए। अब ये तो बच्चा बताएगा, वहाँ से वही करके लाए कितना कैसे। 2 बैग थे, दोनों बैग छिड़के चले गए। पहले से दोनों साइड में बड़े गड्ढों बैठे हैं, कुछ दूर के और गाड़ी में बैठे 2-3। लगभग 6:30 बजे की घटना बताई जा रही है और कौड़ियागंज की तरफ जैसे ही ये मुड़े हैं वैसे ही गाड़ी उमट टेक करके काले रंग की अर्टिगा थोड़ा लूट की गई है और फायरिंग हुई जिसमें उनको गोली लगी।